चलिए बात कर लेते फुकरा भाई एंड पूजा भट्ट दादी के बारे में। सो एज यू नो फुकरा जिया आलिया एंड आकांक्षा ये चारों एक टीम में थे जिसमें से आलिया बिग बॉस से बाहर जा चुके हैं एंड उनके जाने के बाद ये तीनों नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि इनके जाने के बाद अब हम तीनों में से किसी एक को टारगेट किया जाएगा एंड धीरे धीरे ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ते हुए नॉमिनेशन पे पहुंच गई। नॉमिनेशन के बारे में चर्चा करना बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ है। इन तीनों को बुलाया जाता है विदाउट वोटिंग इन तीनों को ही नॉमिनेट कर दिया जाता है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान ये थोड़ी बहुत बात बेबिका के बारे में भी कर लेते हैं एंड उसके बाद क्या था भैया बेबिका तो फुकरा इंसान पे चढ़ ही गई। तस्वीरों से आप सभी को पता लग रहा होगा एंड सबसे बड़ी बात फुकरा इंसान ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है एंड उन्होंने कहा कि मैंने गलती की थी एंड उसकी सजा मुझे मिल चुकी है तो तू मेरे ऊपर चढ़ मत। फुकरा भाई थोड़ी बहुत बात करने के लिए पूजा भट्ट के पास जाते हैं देन वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई कि तू मेरे से बात मत कर, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है एंड सबसे बड़ी बात यार उन्होंने कहा तेरी परवरिश ऐसी है यार ये बहुत ही बेहूदा और बकवास था। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। मैं हूं बिग बॉस के हाउस में और इस वीक मैं नॉमिनेट हुआ हूं तो प्लीज पांडा गैंग प्लीज जो मुझे देख रहा है जाके मुझे बचा लो सेव मी। अगर आप देखना चाहते हो मुझे बिग बॉस की ट्रॉफी उठाते हो तो बचाओ।